वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे थे, वो सॉरी एग्जांपल्स कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 की। कितने हो गए थे? दो हो गए थे। तीसरा देखिए एक बार, सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक को ओपन कर ले, थर्ड एक्स थर्ड वाला एग्जांपल देखिए क्या है। द शैडो ऑफ ए 1.5 मीटर टैल स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन ए प्लेन ग्राउंड इज फाउंड टू बी 1 मीटर एंड इट इज द सेम टाइम शैडो ऑफ ए टावर ऑन द ग्राउंड इज 5 मीटर एंड देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए एक कितने मीटर लंबा लड़का है, ज्यादा बड़ा लड़का नहीं हो गया ये? हाँ, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 3 की बात करते हैं। 1.5 मीटर लंबा लड़का यानी कि छोटा ही है, ज्यादा बड़ा तो नहीं है, इतना सा ही है वो ना। अब इस लड़के की शैडो छाया वो लेंथ देखिए 1 मीटर, यस और नो? अरे बोलो। और लड़का है वो 1.5 मीटर लंबा लड़का है, तो इसका कोई भी एंगल ऑफ इलिवेशन बनेगा, जैसे मान लीजिए एंगल ऑफ इलिवेशन थीटा है, यस और नो? और ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, ये सी है, ये 1.5 मीटर लंबा लड़का है। सेम टाइम दैट इज सेम टाइम एक टावर है या क्या है? टावर टावर है और टावर तो बड़ा ही होगा, वैसे तो एनी की लड़की से छोटा टावर हो जाएगा, लड़के से बड़ा होगा। जब टावर बड़ा होगा तो उसकी शैडो भी क्या होगी? बड़ी होगी। शैडो देखिए इसकी 5 मीटर, यस और नो? और टावर है सीधी बन जाएगा एक बार में, ये लो। हाँ, तो ये 5 मीटर लेंथ की शैडो है इस टावर की। तो ये एंगल ऑफ जो आपका एलिवेशन है वो भी थीटा ही है, एट द सेम टाइम की बात करें यहां पे थीटा ही है। ये ए है नहीं, मैं अजूम कर लेते इसको, जिसे मान लीजिए पी कर लिया इसको लेट, इसको क्यू लेट कर लिया, इसको आर लेट कर लिया, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज आल्सो राइट एंगल ट्रायंगल, इसको मैंने एच लेट अजूम कर लिया। अब देखिए आपके माइंड में क्वेश्चन बन रहा होगा, सर इसके डायमेंशन अलग अलग है तो आप थीटा लेट कर रहे हो, इसके डायमेंशन अलग अलग है थीटा क्यों लेट कर रहे हो? देखिए जैसे शैडो चेंज हुई है वैसे हाइट भी चेंज होगी। जैसे मान लीजिए मैं अगर किसी के नंबर, मान लीजिए किसी के कम हो रहे नंबर, किसी के नंबर कम हो रहे किसी के ज्यादा भी हो सकते हैं, पहले बैलेंस करने के लिए अपने एवरेज लेते हैं, यस और नो? अरे किसके ज्यादा है किसी के कम है, ऐसे बैलेंस करने के बाद अपने एवरेज लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों कम है लेकिन अब की बात दोनों क्या आएगी, ज्यादा आएगी, तो एंगल सेम रहेगा एट द सेम टाइम, यहाँ पे एंगल सेम है, एंगल ऑफ एलिवेशन सेम है। ये P Q R हो गया, ये A B C हो गया। आपको टावर की हाइट फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे अपन, लेट हाइट ऑफ टावर, लेट हाइट ऑफ टावर वो कितनी h मीटर, कितने मीटर h मीटर, इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल A B C में tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, नहीं होगा? एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। इट मींस tan थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर का मतलब कितना हो जाएगा? 1 AB अपॉन BC, ठीक है। इसके बाद tan थीटा इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी रहेगी? 1.5 BC की वैल्यू पर 1, तो कितना हो गया ये tan थीटा इक्वल टू 1.5, इसको इक्वेशन का नाम देता हूं मैं फैक्ट। ऐसे अपन सिमिलरली कौन से ट्रायंगल में बात करेंगे, दिस ट्रायंगल सिमिलरली इन राइट
एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर में, पी क्यू आर में वही होगा आपके पास क्या, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan का वो रहेगा ना मेरा 1.5, p की वैल्यू परपेंडिकुलर का मतलब इसमें बताइए क्या आएगा, x इक्वल है x अपॉन 5, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.5 इनटू 5 7.5 मीटर, hence height of tower will be 7.5 meter. ये कौन सा क्वेश्चन है? Example number 3. इसके स्क्रीनशॉट लीजिएगा जब अपन आगे चलते हैं. नोट करने चाहते हैं एक मिनट आपके पास नोट कर सकते हैं. आपको क्या है? नाम क्या है? एग्जाम्पल नंबर 4, सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी बुक में देखेंगे, मैं बोल रहा हूँ, देयर इज स्मॉल आइसलैंड इन अ 100 मीटर ब्रॉड रिवर एंड देयर इज अ टेरिटरी ऑन दिस आइसलैंड पी एंड क्यू लाइन ऑन द अपोजिट बैंक ऑफ द रिवर सच दैट पी क्यू एंड टी आर इन द सेम लाइन इफ एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पी एंड क्यू एट द टॉप ऑफ द रिवर आर एट इक्वल 45 विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट एट द ट्री. देखिए आइसलैंड है, इसकी पी क्यू लेंथ है 100 मीटर, कितनी लेंथ है 100. कहने का मतलब क्या हुआ, दिस इज द पी, दिस इज द क्यू, पी और क्यू की जो डिस्टेंस दे रखी है वो कितने मीटर है 100 मीटर, इसके बीच में ट्री है, ट्री है, तो मैंने ये ट्री अज्यूम कर लिया, दिस इज ट्री. आप जैसे डायग्राम को देखोगे तो जो मैंने ट्री बनाया वो पी और क्यू के एग्जैक्ट बीच में नहीं बनाया, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं P और Q से एंगल ऑफ एलिवेशन लूंगा वो अलग अलग है, एक का 30 डिग्री है एक का 45 डिग्री है, इट मींस जितना इस ट्री से दूर होगा पॉइंट उतना एंगल कम होता जाएगा, आपको पता है जितना पास में जाते हैं एंगल बढ़ता है, तो कहने का मतलब अगर इस टॉप का ये ट्री है, देखिए इस ट्री के अपोजिट साइड में क्या है, दो पॉइंट है पी एंड क्यू, और पी और क्यू से इसके टॉप का पी और क्यू से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, यानी कि ये एंगल जाएगा 30 डिग्री, यस और नो, और ये एंगल जाएगा 45 डिग्री, चेक कर लीजिएगा कौन पास में है कौन दूर है, ये दूर है, थोड़ा दूर देख लेना आपको डायग्राम में, तो ये 30 डिग्री है, थोड़ा पास में दिखा जाए क्या है 45, क्यों, क्योंकि पास में जाने पर एंगल क्या होता है बढ़ता है इंक्रीज होता है, तो यहाँ पे मैं इसको ए अज्यूम कर लेता हूँ, इसको बी अज्यूम कर लेता हूँ, पक्का 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये आपको पी क्यू की लेंथ देखिए 100 मीटर, मैंने इसको लेट कर लिया एक्स मीटर है, तो पक्का ये कितना होगा, जब ये एक्स है तो ये कितना होगा 100 माइनस एक्स, सिंपल, जब ये x है तो कितना होगा 100 माइनस x, आपको करना क्या है फाइंड आउट हाइट ऑफ ट्री, इसको x में ट्राइंगल कर लेते हो, दो राइट एंगल ट्राइंगल होगी, एक
ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल, किसी में भी ऐसे भी बात कर सकते हैं, पहले किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में बात कर सकते हैं, छोटे वाले में या फिर बड़े वाले में, वैसे दोनों बराबर सी है, बस देखते हैं जिसमें एंगल क्या है, एक का 30 डिग्री है, एक का 45 डिग्री है। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, लेट हाइट ऑफ द ट्री, लेट हाइट ऑफ ट्री, height of tree equal to x होता है, and और क्या लेंगे करते हैं अपन, pd, pd कितना है x में, pd कितना है x में, pd कितना है x मीटर, and qb 100 minus x माइनस एक्स मीटर, ठीक है। हाँ जी, अब बात करते हैं अपन इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी पी में, बात कर लेते हैं टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस, बताओ ए बी पी में बात कर रहा हूं, एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, एंगल तो 30 है, ये आपका ए बी, ये PB, ये root 3, AB की value कितनी हो जाएगी, dash, DB की value, x, cos multiply करेंगे, x की value कितनी आएगी, root 3h, x will be root 3h, equation number, first, ऐसे अपन इस दूसरे वाले triangle में बात करेंगे, तो अपना काम हो जाएगा। Similarly, in राइट एंगल ट्राइंगल ए बी क्यू, ए बी क्यू tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा की जगह 45, परपेंडिकुलर की जगह बोलिए, एंगल के सामने वाली साइड ए बी अपॉन, बताइए क्या आएगा नीचे, बी क्यू आएगा, क्या आएगा tan 45, 1 AB की value H, BQ की value 100 minus H, cos 25 लेंगे अपन, तो कितना आने वाला है, H equal to 100 minus X, H equal to X की value कितनी है, root 3 H, ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अपने को किसकी value find out करनी है, H, H की terms को उधर ले जाओ, इसमें हो जाएगा plus में, yes or no, equal to 100, अब क्या common आ रहा है, H common आ रहा है, h कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 plus root 3, अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई की चीज डिवाइड में भेजेंगे, मल्टीप्लाई की चीज डिवाइड में, फिर क्या करेंगे रैशनलाइजेशन, क्यों करेंगे, क्योंकि नीचे क्या नहीं होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए, एक बार इतना स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्या आगे चलते हैं,
अब देखिए, हाँ इसके आगे देखिए मल्टीप्लाई की चीज कहाँ जाएगी, डिवाइड। लेकिन थोड़ा सा मैं इसको स्मार्ट तरीके से लिख रहा हूँ, स्मार्ट किसान मतलब ये वन और रूट थ्री में कौन बड़ा होता है, वन और रूट थ्री में, रूट थ्री बिकॉज रूट थ्री की वैल्यू 1.73 है। अब एक से क्या होगी, बड़ी होगी। अपन बड़ी चीज को पहले के तो अच्छा लगता है, ये सुनो, यानी कि मैं कैसे लिख रहा हूँ, रूट थ्री प्लस वन लिख सकता हूँ, फिर बाकी हुई है, यानी वन को पहले लिखो चाहे रूट थ्री को बाद में लिखो। अब क्या करिए बताओ, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, नीचे क्या नहीं होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए, क्या करते हैं, ये तो आपने पढ़ाई है पहले से, और क्वेश्चन करवा दोगे। अब ऊपर देखिएगा, रूट थ्री की वैल्यू 1.73 होती है, माइनस का वन, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे 100 1.732 में से 1 माइनस 0.73 माइनस तो कर सकते हो। अब नीचे रूट थ्री का स्क्वायर 3, बी माइनस 1 कितना होगा 2, 100 0. देखिए मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ अंदर से, क्योंकि मैं पहले सोल्व करने के बाद मल्टीप्लाई करूंगा, 0.732 अपॉन 2, 100 2 से कैंसिल होगा, 50 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.732 से, तो आंसर आएगा x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 10 15 16 21 नहीं 35 36 36.600। इट मींस x की वैल्यू कितनी आ गई, 36.60 मीटर दे रखा होगा तीन ग्रुप में। हां बात हो 36.6 दे रहे थे, बात हुई है 0 को डालो आप, 0 को इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पॉइंट के बाद 0 हो, 0 के बाद कोई डिजिट नहीं हो तो इसका वैल्यू नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। आंसर ये हो गया है। अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 5 में, ए कार इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड व्हिच गोस टू towards tower at a distance of 500 meters from tower. Driver of car observed an angular deviation of tower for the time 30 after driving the car for 10 seconds towards tower, and then he observed that if the angular deviation of the top of tower becomes 60 and find it the speed of the car. देखिए क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर दी, मतलब कार आ गई, स्पीड आ गई, टाइम आ गया, टावर है क्या इस कार के सामने, टावर, ओके। देखिए टावर है और मेरी कार है, आपकी कार से मेरी कार, आपका तो बाइसिकल है ना, ये स्कूटर है, हाँ देखो ये टावर है, दिस इज द टावर, ज्यादा बड़ा नहीं हो गया, छोटा बन गया, अब मैं सेकंड में छोटा बता देंगे, सही है ना, हाँ। अब देखिए कार यहाँ पे है, यहाँ पे जब कार मेरी यहाँ है और इसके टॉप का टावर के टॉप का यहाँ से कार यहाँ है, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है शुरू शुरू में 30 डिग्री, ये बोलो तो सर यू। अब कार कहाँ जा रही है, टावर, हाँ 30। अब कार कहाँ जा रही है, टावर की तरफ जा रही है, जैसे जैसे कार जाएगी एंगल बढ़ेगा, तब होगा बढ़ेगा, टावर के पास में जाएंगे तो पक्का एंगल क्या होगा, बड़ा होगा। 10 सेकंड बाद में कार यहाँ पे आ गई, कहाँ पे, यहाँ पे आ गई, ठीक है। 10 सेकंड में कार यहाँ से लेके कार कुछ ज्यादा यहाँ से लेके यहाँ तक कार आ गई, और अब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। अरे बात समझ में आई नहीं आई, कार यहाँ थी टॉप का, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, कार यहाँ पे आ गई, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। आपको पूछा क्या, कार की स्पीड, आपको हाइट भी नहीं दे रखी है, चेक करो हाइट दे रखी टावर की, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ए अज्यूम कर लो। देखिए आपको जो दे रखी है उसको रखने के बाद आप क्या मानेंगे, ए बी सी डी 90 डिग्री, इतना काम हो गया। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम है वो आपको 10 सेकंड का दे रखा है। क्या मैं यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x मीटर ज़ूम कर लूँ, वो टोटल दे रखा है वो 500 मीटर दे रखा है, यानी कि मेरी कार थी ना यहाँ पे वो टावर के बेस से कितने मीटर डिस्टेंस पे थी,
500 रुपए। चेक करो ये लिखा हुआ है ना, बिल्कुल सही बात है कि एट ए डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर फ्रॉम द टावर, यानी कि कार यहाँ है, फ्रॉम द टावर से कितनी डिस्टेंस में 500 मीटर। एक्चुअल में आपको कोई लेंथ फाइंड आउट नहीं करनी है, एक्चुअल में आपको हाइट फाइंड आउट नहीं करनी है, आपको स्पीड करनी है। स्पीड आपने साइंस में बहुत न्यूमेरिकल की होगी, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अरे बचपन में पढ़ा होगा आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड। अब देखिए टाइम तो अपना ही दे रहा है और तो कोई टाइम दे ही नहीं रहा, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, आपको टाइम भी दे रहा है, यहां से यहां तक का टाइम दे रहा है। अगर मैं यहां से यहां तक डिस्टेंस फाइंड आउट कर लूं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड। इसका मतलब क्या हुआ, आपको कैलकुलेट क्या करना है, x, यस और नो। अगर ये डिस्टेंस आ गई तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दिया, इट मींस क्या आ जाएगी, स्पीड। आपको ये कैलकुलेट नहीं करना है, आपको ये कैलकुलेट नहीं करना है, आपको मेन टारगेट क्या है, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करो और इसको इससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगी स्पीड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब कैसे इसको h में अज्यूम कर लो, वैसे फाइंड आउट तो करना नहीं है लेकिन अज्यूम तो कर लो, गति गति है। अब देखिए थोड़ा इसको सीधा बना लेते हैं ना, एडी में मिला 500 मीटर की डिस्टेंस है, हाँ, तो क्या करते हैं अपन, लेट हाइट ऑफ टावर इक्वल टू h मीटर एंड cd इक्वल टू x मीटर। अब किसी की माइंड में क्वेश्चन ये भी बन रहा है, सर आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में a को x माना था, a को 100 माइनस x लिखा था, इसमें क्यों नहीं लिखा 500 माइनस x, क्यों नहीं लिखा, अरे लिख तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि करना क्या है इसमें, x ही फाइंड आउट करना है और कुछ करना ही नहीं। आप लिख भी सकते हो इसको 500 माइनस x, आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए मैं सबसे पहले इस छोटे वाले ट्रायंगल में बात करता हूं, ठीक है, छोटे वाले ट्रायंगल में बात करता हूं, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस थीटा, थीटा की वैल्यू 60 परपेंडिकुलर ए बी, बेस बोलो बी सी, ए बी की वैल्यू h, बी सी की वैल्यू BC है, BC की वैल्यू BC ही है, tan 60 की वैल्यू √3, क्या कर सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, BC को इससे मल्टीप्लाई करो, BC into √3 equal to h, BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h upon √3, क्या अब रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि रेशनलाइजेशन करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्यों, ऊपर कुछ वैल्यू नहीं है, वो कैंसिल नहीं होगा, अरे अगर अगर कुछ ऊपर वैल्यू होती और अपन इसको रेशनलाइजेशन करते तो वो √3 हो जाता और वो किसी नंबर को क्या करता, कैंसिल करता, जैसे अभी आपने किया था थोड़ी देर पहले, देखो इसको रेशनलाइजेशन किया था तो 2 वैल्यू आई थी, तो 200 से क्या गया था, डिवाइड में किया गया था, देखिए यहां से अगर आप कर भी दिए रेशनलाइजेशन तो भी आपका गलत नहीं होगा। ये इक्वेशन क्या होगी आपकी फर्स्ट। अब क्या बात करेंगे सिमिलर दूसरे ट्रायंगल की बात करेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, हाँ जी अब देखिए यहां से अब अपन क्या करते हैं, सिमिलरली
इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा ए बी डी में बात करेंगे, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। हाँ tan थीटा, tan कितना हो जाएगा 30, ये होगा नहीं होगा। अब एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर, वो कितना होगा AB होगा, और बेस कितना होगा BD, AB की वैल्यू h, BD की वैल्यू 500, चेक कर, अरे यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 500 कुछ, और tan 30 कितना होता है 1/2, एक सेकेंड उसे फाइंड क्या हो रहा है, कुछ फायदा नहीं हुआ। अपन इस बीडी को क्या लिख सकते हैं, बीसी प्लस सीबी लिख सकते हैं, अब हो जाएगा फायदा, अब हो जाएगा फायदा 1/√3 एक सेकेंड, एक सेकेंड किसकी वैल्यू रखेंगे, देखिए बीसी की रखने से आपके पास एच के टर्म्स का आंसर आया, आपका एच ये है, बीसी की वैल्यू एच अपॉन रूट थ्री, और सीडी की वैल्यू क्या है एक्स है, ये एच और एक्स में रिलेशन आएगा, इससे कोई फायदा नहीं हुआ। अपन एक काम करेंगे, मैं बता रहा हूँ, ये बीटी निकाल कर देंगे, एच की वैल्यू आएगी, बीटी की वैल्यू 500 रखो, यहाँ से एच कितना आ गया, एच रूट थ्री इक्वल टू 500, तो रूट थ्री एच की वैल्यू कितनी आ गई 500 अपॉन रूट थ्री आ गए, 500 अपॉन रूट थ्री आ गया। अब देखिए 5 अपॉन यहाँ पे रखेंगे तो BC की वैल्यू आएगी, BC की आगे तो किसकी आ जाएगी X की आ जाएगी, एक सेकंड, ज्यादा बड़ा बड़ा क्वेश्चन, एक सेकंड आ रहे, इसको 500 माइनस X करो, ठीक है, और यहां पर टाइम चेंज कर दो आप, पहले बड़े वाला ले लो A B D, ए बी डी, ठीक है, जो आपने क्वेश्चन नंबर कौन सा है एग्जांपल नंबर 5, ठीक है, यहाँ पे मैं बड़े वाले में बात करूँ तो साइन 30 आएगा, और ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी होगा 1/√3, ए बी की वैल्यू कितनी है एच अपॉन बी डी की वैल्यू 500, रूट थ्री एच इक्वल टू 500, h इक्वल टू 500 अपॉन रूट थ्री, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। अब राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा वाला, ए बी सी छोटे वाला, वही अब की बार कितना 60, यहाँ पे क्या आ जाएगा बी सी आ जाएगा, ये 60 की वैल्यू रूट थ्री, ये h बोले कितना आएगा 500 माइनस x आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, या फिर अपन h की वैल्यू रख सकते हैं, नहीं नहीं h की वैल्यू रख दो सही रहेगा, कितना हो जाएगा ये, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको कितना आएगा h इक्वल टू या 500 माइनस x इनटू रूट थ्री इक्वल टू h, h की वैल्यू बोलो 500 अपॉन रूट थ्री, यस और नो, h की वैल्यू कितनी रखी 500 अपॉन रूट थ्री, ये 500 माइनस क्या चल रहा था x, साथ में रूट थ्री चल रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, रूट थ्री को रूट थ्री से कितना आएगा 500 माइनस एक्स 3 इक्वल टू 500, अब इसको सोल्व करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी एक्स की वैल्यू, समझ में आ रहा है, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका लो स्क्रीनशॉट, पहले वाला काट देना उसको लिख लिया हो,
क्योंकि मैंने हिंदी मीडियम वाले को सुना था ऐसे ही करवाया था लास्ट क्लास में, तो मैं देखा है क्वेश्चन चेंज कैसे हो गया कॉन्सेप्ट्स। वैसे अपन ने जो पहले किया था वो भी गलत नहीं था, उसमें एक क्वेश्चन ज्यादा पड़ती, एक बार वापस बोल लेना पड़ता, गलत नहीं था, अपन रास्ते को चेंज कर दिया तो इसलिए उतना बड़ा हो गया।